मी डॉक्टर अतुल गर्ग गवर्नमेंट भांगड़ कॉलेज डीड। तो जीबीसी डीड बना पे जो मैंने बताया आपके सारे अपलोडेड जो वीडियो है जो क्लास में पहली बार आ रहे हैं जिनको अब तक नहीं पढ़ा जो पढ़ाया है क्लास में वो सारा इस पर देख लें यूट्यूब चैनल पर और कंटिन्यू करें। जैसा आपको बताया था कि जो ये कैलकुलस में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहे हैं कि फेस टू फेस टीचिंग तो होती हुई नहीं है कभी इस बार कोविड की वजह से। अब ये जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे जैसे आप नए आ गए उनको पुराना नहीं पता कुछ भी क्या था तो इसलिए वीडियो जबरदस्ती बना रहे हैं कि आप जो नहीं आ रहे हैं वो कम से कम वीडियो देख के पढ़ दो नहीं तो ऐसे ही कोरे रह जाओगे। तो जो नहीं आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो आप लोग नहीं आए थे उनके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है तो पढ़ लेना। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की बात कर रहे थे तो इसको आज अपन देखते हैं यूनिट थर्ड है तो उसमें हम पढ़ते हैं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है कोई एरिया अपने को दिया हुआ है मान लो ये एरिया दिया हुआ है। इस एरिया के हरेक बिंदु पर एक्स वाई में कोई फलन एक्स वाई परिभाषित है हरेक वैल्यूज फंक्शन की फंक्शन दिया गया होगा हर प्रश्न में भी और वैसे भी कि किसी एरिया में ये फंक्शन परिभाषित है तो ये एफ एक्स वाई कोई भी एक्स वाई का फलन है परिभाषित है। तो इसका अगर ये मान लीजिए कि अपन इसको एन खंडों में विभाजित कर दें जो क्षेत्र दे रखा है इसको लगातार अपन ने विभाजित किया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से विभाजित करें तो ये खंडों में परिवर्तित हो गया ये क्षेत्र। तो अगर किसी बिंदु पर इसके निर्देशांक मान लो एक्स आर वाई आर है और इसका क्षेत्रफल डेल्टा ए आर है तो सारे क्षेत्रफलों का योग अगर अपन लगाएं तो इसका योगफल हो जाएगा एफ एक्स वन वाई वन डेल्टा ए वन प्लस एफ एक्स टू वाई टू जो फलन परिभाषित है दूसरे बिंदु पर और उसका क्षेत्रफल डेल्टा ए टू ये खंड है डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए टू। तो इस तरह के सबका अपन ने योगफल निकाला तो ये योगफल अगर अपन एन को अनंत करें ये जो खंड विभाजित एन की है अपन ने इनकी संख्या बहुत बढ़ा दें तो संख्या बहुत बढ़ाने पर इस क्षेत्र में अगर एन को अनंत की ओर अग्रसर ले जाएंगे तो खंड बहुत छोटे 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 पतले पतले बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे तो उसका क्षेत्रफल जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब खंड बढ़ते जाएंगे और अनंत ले गए तो क्षेत्रफल कितना होगा उस प्रत्येक क्षेत्र का जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो ये जो समेशन है इसको अपन लिख सकते हैं समेशन एन फ्रॉम वन टू या आई ले लो एन ले लो कुछ भी ले लो एन तक दिया है अपन ने एन कर देना इसे थ्री तो कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है ये तो ये जो समेशन ले रहे हैं आई इज इक्वल टू या आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर अगर इसमें ये एन को अनंत की ओर अग्रसर करें मतलब बहुत बारीक बारीक लाइनें खींच लें बहुत पास पास जितनी पास आप खींच सकते हो और अनंत लाइनें खींच दें तो हरेक क्षेत्रफल इस पर जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा तो यही कहलाता है डबल इंटीग्रल ए क्षेत्र पर एफ एक्स वाई डेल्टा ए डेल्टा ए कर दो चाहे डीए कर दो डेल्टा ए डीए तो एक इंटीग्रल होता तो होता ये कहलाता है डबल इंटीग्रल। तो कोई भी क्षेत्र जो एक्स वाई प्लेन में परिभाषित है जो अपने को फलन दिया गया है एक्स वाई एफ एक्स वाई वो हरेक बिंदु पर परिभाषित है तो इस क्षेत्र में इस फलन का समेशन योगफल निकालना जब बहुत संख्याएं पर जो क्षेत्र बांटा है उसकी संख्याएं बहुत बारीक बारीक बनाई है बहुत पास पास खींची है खंडों की संख्या अनंत करी है तो क्षेत्रफल जीरो की ओर अग्रसर हो गया ये क्षेत्रफल जीरो की ओर अग्रसर हो गया तो इसी को कहते हैं डबल इंटीग्रल। सिंगल इंटीग्रल तो आप निकाल के आए हो या डबल में पढ़ के आए हो डबल पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो यहां इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सिंगल इंटीग्रल आप पढ़ के आए हो। तो डबल इंटीग्रल कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर आर थीटा में भी निकालेंगे अपन इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल, या जो भी वो कहेगा एफ एक्स वाई फंक्शन का इंटीग्रल कहेगा, तो वो थीटा इज इक्वल टू जीरो ये प्रारंभिक लाइन है और आर ये थीटा ये और ये दूरी आर, आर थीटा में भी अपन निकालना सीखेंगे डबल इंटीग्रल। जब डबल इंटीग्रल ले जाएंगे तो फिर अपन ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। तो आज डबल इंटीग्रल शुरू करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे क्षेत्रफलों में विभाजित करते हैं, ये सारी बातें डबल इंटीग्रल में आज जानते हैं। तो जैसे अपने को मान लीजिए दिया हुआ है, कुछ पूछ रहा है, वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे द्वि समाकलन में। तो जैसे कोई वक्र दे रखा है y is equal to f1x से y is equal to f2x तक, तो y is equal to f1x से y is equal to f2x तक, और x is equal to a से x is equal to b तक परिबद्ध जो क्षेत्र है, तो उसमें डबल इंटीग्रल a क्षेत्र में fxy dA निकालना है। तो इसकी लिमिट वगैरह कैसे निकलेंगी और फिर कैसे अपन इंटीग्रेट करके मान निकालेंगे, तो इंटीग्रल तो वही जो आप सिंपल इंटीग्रल पढ़ के आए हो वही निकालना है, नया कुछ भी नहीं है। अब इस एक्स वाई फलन का या हरेक सवाल में एफ एक्स वाई अलग अलग देगा, डीए की जगह डीएक्स इंटू डी वाई आ जाएगा, ये लिमिट की बात हर प्रश्न में रहेगी कि लिमिट क्या लगाएगा। तो लिमिट को अपने को जो कहेगा उसके बीच में ही अपने को लिमिट लगानी होगी। तो अब इसमें देखते हैं लिमिट क्या आएगी। ये जो कह रहा है प्रश्न, मान लीजिए कोई आकृति हो सकती है, जैसे ये आकृति कोई ले ली अपन ने, वो कह रहा है x इज इक्वल टू ए से, ये x इज इक्वल टू ए है और ये b है, ये तो x इज इक्वल टू ये a है, ये x इज इक्वल टू b है, ये इस क्षेत्र में परिबद्ध है। तो अपन ने इसको खंडों में तोड़ा बारीक बारीक, तो आप ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है, एक बार अपन देखने के लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा ही कर रहे हैं, ज्यादा बारीक कर दिए तो फिर उपखंड कैसे बनाओगे। तो पहले तो अपन ने एन भागों में विभाजित कर दिया इसको, एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक, ये कह रहा है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक। अब वाई की लिमिट देखें, तो वाई में अपन ने किसी एक पट्टी में खंड में विभाजित कर दिया और इनमें से एक खंड ले लिया अपन ने, तो y का मान कहां से शुरू हो रहा है, y is equal to f1x से कहां तक जा रहा है, y is equal to f2x तक जा रहा है। तो यही अपने डबल इंटीग्रल की लिमिट आ जाएगी, x का मान a से, आप चाहो तो x ले लो नहीं तो आपको मालूम पड़ जाएगा अपने आप कौन सी लिमिट है। तो x is equal to a से ये क्षेत्र x is equal to b तक है, मतलब वर्टिकल लाइन कहां से कहां तक खींची अपन ने, x is equal to a से x is equal to b तक खींची। अब किसी एक वर्टिकल लाइन में खंड कहां से कहां तक जा रहे हैं, तो y is equal to f1x से y is equal to f2x तक जा रहे हैं, और ये dy और dx। तो पहले चूंकि ये y के मान है, तो पहले अपने को इंटीग्रल y के सापेक्ष निकालना पड़ेगा क्योंकि ये y के मान है, तो dy पहले लिखना पड़ेगा, फिर जो भी मान आएगा उस मान को इंटीग्रेट कर रहा है x के सापेक्ष, तो dx यहां लिखा हुआ है, ये x की लिमिट है। निश्चित समाकलन आपने पढ़ा है, समाकलन अगर कर लिया तो लिमिट अपर लिमिट पे मान माइनस लोअर लिमिट पे मान यही निकालते हैं, तो वो निकाल लेना है। तो बाकी इंटीग्रल अपना सेम है, जो पढ़ के आए हैं वो सेम है, डबल इंटीग्रल जो आपको पढ़ना है वो इतना ही है। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कैसे एफ एक्स वाई दिया हुआ है, कैसे लिमिट निकालेंगे और कैसे इंटीग्रेट करके फलन का मान निकालेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से इसे जैसे क्वेश्चन है, इवेल्युएट याद कीजिए 0 से 1 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स
डी वाई किसका मान ज्ञात करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये x की लिमिट ली गई है, ये y की लिमिट ली गई है, लिमिट सी की लिखी उसने से अभी अपने से ज्ञात नहीं करवाई लिमिट निकाली, केवल डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालना देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो चूंकि ये y की लिमिट है तो ये 0 से 1 तो x की लिमिट है बाहर पड़ी है, तो पहले अपने को इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 x प्लस y dy। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है y की लिमिट है तो, और ये dx बाहर पड़ा होता है। तो अब पहले इसका मान निकालते हैं अपन 0 से 1। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x को अचर मानना है, x कांस्टेंट है जैसे a पड़ा है, तो ये तो कांस्टेंट है तो 1 है या x है, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स वाई के अंदर आएगा और y का समाकलन y के सापेक्ष y स्क्वायर बटे 2 आएगा और 0 से 2 लिमिट है और अभी बाकी है इंटीग्रेट करना dx है। तो ये आ गया 0 से 1 अपर लिमिट पे फलन का मान, तो y की जगह रखना x ऐसे ही रहेगा, तो ये तो हो गया 2x और ये 4 बटे 2 2 ही हो गया, 0 रखा तो ये भी 0 और ये भी 0 तो माइनस 0 और dx। अब जो भी मान आया फलन का, ये फलन दिया गया था x प्लस y के अंदर, हर सवाल में अलग अलग फलन दिए गए होंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन 2x प्लस 2 को x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, तो इसको इंटीग्रेट करें तो ये मान आ गया 2x स्क्वायर बटे 2 और ये 2x और लिमिट है 0 टू 1, 0 से 1 लिमिट के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये मान आया x स्क्वायर का मान एक पर लिखे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो गया, ये तो अपर लिमिट पे मान और लोअर लिमिट पे मान 0 प्लस 0 तो आंसर आ गया 3। तो डबल इंटीग्रल का मान जो निश्चित समाकलन था, इस फलन का मान एक्स वाई एक्सिस के सापेक्ष जो निकाला अपने, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी आगे गिरा 3 के बराबर। अब प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिसमें लिमिट अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लिमिट निकालनी पड़ेगी अपने आप के कितनी लिमिट आ रही है, तो ऐसा भी एक प्रश्न देख लो। जैसे